हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कच्ची घानी ऑयल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सब लोग जब भी किसी दुकान के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले बोलेंगे मेरे को कच्ची घानी का तेल चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है, सभी लोगों को नहीं पता है कि कच्ची घानी का तेल होता क्या है। बहुत से लोगों से मैंने पूछा कि भाई कच्ची घानी का तेल होता क्या है, मतलब यह जो कच्ची सरसों का निकलता है ना, वो कच्ची घानी का तेल होता है। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है, जब तक सरसों पूरा पक नहीं जाता है ना, उसका तेल नहीं निकलता है, तो कच्ची घानी इसको नहीं बोलते हैं। आज पूरा का पूरा वीडियो इसी के ऊपर होगा कि कच्ची घानी होती क्या है। और दूसरा, इसी के अंदर एक तो आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है और दूसरा एक नए बिजनेस के बारे में आपको पता चलने वाला है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको मिलाते हैं जंगवीर जी से, जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा सेटअप जमाया है। तो उन्हीं से जानते हैं इसके बारे में, कैसे उन्होंने इसको स्टार्ट किया है और कैसे ये मशीनें काम करती हैं, क्या लागत आती है, इसी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जंगवीर जी यहाँ बैठे हैं, चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं जंगवीर जी से, जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा प्लांट लगाया है। तो नमस्कार जंगवीर जी। हाँ नमस्कार जी। और हमारे दर्शकों से? हाँ नमस्कार जी। तो जंगवीर जी, जो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि यहाँ पर जो आपने ये जो मशीनें लगाई हैं, जो ये कच्ची घानी के लिए जो आपने ये यहाँ पर ये जो प्लांट लगाया है, इसका जो आइडिया है वो कहाँ से आया? इसका आइडिया आया जी 2013-14 के आसपास राजीव दीक्षित जी के ऑडियो सुनते थे और उन्होंने खान पान के ऊपर बड़ा विस्तार से बताया है, तो इससे ये आइडिया आया। और उन्होंने तेल की घानियों के बारे में बताया है और रिफाइंड तेल के बारे में बताया है, तो हमें ऐसा लगा भाई वास्तव में खाने का शुद्ध तेल तो घानी से तैयार होता है, तो ये आइडिया दिमाग में आया। फिर ये देखा भाई घानियाँ कहाँ मिलेंगी, तो हम फिर घानी की खोज में निकले, तो घानियाँ मिल गई, तो घानी से भी ये तेल बनाने लगे जी। तो अब जंगवीर जी, जो एक मेन है जो मैंने दर्शकों से बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो कच्ची घानी का जो तेल है और जो नॉर्मल तेल है उसमें क्या अंतर है, वो एक बार दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये घानी का जो तेल होता है वो कोल्ड एंड वुड प्रेस्ड, तो कम दबाव के ऊपर, लकड़ी के कम दबाव से ये तेल निकलता है। और इस तेल में न्यूट्रिशन वैल्यू, पूरे जो पौष्टिक तत्व जो होते हैं तेल के, वो एज इट इज बने रहते हैं, और इसीलिए तेल खाने में सबसे बढ़िया उपयोगी होता है। और ये घानी का जो तेल है वो ठंडा 20-25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर निकलता है, तो इससे इसकी तेल की जो गुणवत्ता है वो इसमें तेल में बनी रहती है। और जो हाई स्पीड में, जो हाई टेम्परेचर में बड़े बड़े एक्सपेलर से तेल निकलता है, उसके अंदर इसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं तेल में। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है जो मशीनों से, जो बड़ी मशीनों से जो तेल निकलता है उसके अंदर क्या है, दबाव के कारण या फिर स्पीड के कारण उसमें गर्माहट बन के जो ऑयल गर्म हो जाता है तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इसके अंदर बने रहते हैं। तो जंगवीर जी, अब इन मशीनों के बारे में बताइए कि ये जो आपने कच्ची घानी की जो मशीनें लगाई, ये काम किस तरीके से करते हैं? काम किस तरह से करते हैं, चलो वही मशीनों के पास चल के बताते हैं आपको। ये भी अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों, चलिए उन मशीनों के पास ही चलते हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं वहीं पर चल कर देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं देसी कोलो के पास। तो जंगवीर जी बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे इसमें से धीरे धीरे ये ऑयल निकलता है। तो जंगवीर जी बताइए कुछ। ये कोल्ड एंड वुड प्रेस्ड तरीके से काम करता है जी। जी जी, अभी ऊपर ये लाट है और ये भी नीचे ये ओखल है इसका, तो ये जब धीमी गति से ऐसे ऐसे चलते हैं तो इसमें कुछ देर बाद में इस तरह तेल बनने लगता है। 10-12 किलो मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है और ये फिर इसकी घूमने का जो पद्धति है, घर्षण की जो पद्धति है, उससे फिर ये तेल बनने लगता है इसमें कोल्ड में। तो ये लकड़ी का है? ये लकड़ी का है जी। और जो ये नीचे का जो है ये? हाँ, ये पोर्शन भी लकड़ी का है। ये मतलब दोनों ही लकड़ी के हैं? ये दोनों लकड़ी के हैं। इनसे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और उससे फिर तेल बनने लगता है। ये दबाव 20-25 डिग्री टेम्परेचर बनता है जी, ये लकड़ी का दबाव। तो दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कि जो मशीनें होते हैं बड़ी वाली, उसके अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जितने भी उसके अंदर पार्ट्स होते हैं वो लोहे के होते हैं और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं ये लकड़ी के हैं, चाहे ये हो चाहे ये नीचे वाला।
तो इसकी वजह से इसके अंदर गर्माहट तो बनी नहीं पाती है, जिसकी वजह से ऑयल गर्म नहीं होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बनता रहता है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जैसे अभी हम आपने बोला कि 10 से 12 किलो इसके अंदर जो मटेरियल हमने डाल दिया है, तो ये अभी कितना टाइम लेगी इसको ऑयल को निकालने में? लगभग 1.25 घंटे का टाइम लेगी जी हमसे ऑयल बनाने में। और ये 1 घंटे के अंदर मान लीजिए कितना ऑयल तैयार कर देती है? 1 घंटे में एक मशीन, अब नारियल का 10 किलो डाला मटेरियल, उसमें नारियल में जी 45-48% के आसपास निकल जाता है, तो 10 किलो में 4 किलो 800 ग्राम 700 ग्राम के आसपास। तो ये जो हमने डाला है जो मटेरियल इसके अंदर, जो ये 12 से 10 किलो डाला है, इसको ये मतलब 1 घंटे में सारे को निकाल देगी? इसकी पिसाई 1 घंटे में कर देगी, फिर ये धीरे धीरे इसका नीचे तेल बढ़ने लग जाए, तेल नीचे आ जाएगा इसमें छान के इसको फिर। तो दोस्तों ये कार्य प्रणाली है इसकी, क्योंकि आप जब भी कहीं पर, अगर आपने पहली बात तो आपने देखा नहीं होगा, बहुत से लोग हैं जो थोड़ा बहुत जो देखे होंगे कि ऑयल कैसे निकलता है, उन्होंने देखा नहीं होगा। तो जो बड़ी मशीनें होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि लोहे के पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से गर्माहट बन के ऑयल ज़्यादा निकलता है, बहुत तेज़ मात्रा में निकलता है। इसीलिए जितने भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उसी को यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑयल के सारे पोषक तत्व जो हैं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोसेस बहुत धीमा रहता है, जिसकी वजह से इसको कोई भी जो बड़ा उद्योगपति है, जो बड़े लेवल पर जो उत्पादन करती हैं कंपनियाँ, वो इसको यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही धीमी गति से ऑयल निकालती है। तो यही इसका रीज़न है कि ये आपको बहुत ही कम मिलेंगे। इसलिए मार्केट के अंदर आपको कच्ची घानी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो प्योर कच्ची घानी है वो लगभग आपको 10% ही ऑयल मिलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए कितनी धीमी गति से ऑयल निकल रहा है। तो इतनी धीमी गति से निकल रहा है तो कोई भी जो बड़ा उद्योगपति है इसको यूज़ करता ही नहीं है। तो ये कच्ची घानी की मशीन है कि आपने देख ही लिया होगा। और दूसरी बात, जब बड़ी मशीनें होती हैं उसको ऐसे हाथ लगाएंगे आप हाथ ही नहीं लगा पाएंगे, वो इतनी गर्म हो जाती है, जो इसके अंदर जो ऑयल होता है उसको भी आप टच नहीं कर पाएंगे और इसको भी टच नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप इसको आसानी से छू सकते हैं, ये गर्म ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों ये आपने देख ही लिया है, लेकिन जंगवीर जी एक बात बताइए, ये जो आपने मशीनें लगाई हैं, मैं देख पा रहा हूँ जो इसका लट्ठा है वो लकड़ी का है, लेकिन उनका लट्ठा थोड़ा सा अलग है, वो क्यों? वैसे तो सेम बात है, ये भी कोल्लू हैं, इसके अंदर जो ऊपर रूटर है वो लोहे का, नीचे लकड़ियाँ लगी होती हैं जी, लकड़ी के गुटके हैं, चाहे लकड़ी की फट्टी कहो, तो ये धीमी गति से वही कोल्ड प्रेस प्रोसेस है ये बीच में भी। और इसका तेल इसी प्रकार से 20-25 डिग्री टेम्परेचर पर बनता है, और बहुत बढ़िया प्योर शुद्ध तेल बनता है इनमें भी। तो इसके अंदर जो ये लगाई गई मशीनें, आपने यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ 4 से 5 मशीनें आपने यहाँ पे, 5 से 6 मशीनें आपकी यहाँ पर हैं। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना, जैसे इन मशीनों से आप कितना ऑयल निकाल पाते हैं एक दिन में? अगर मान लीजिए इन मशीनों को हम लगातार चला देते हैं, तो ये जो 6 मशीनें हैं तो एक दिन में कितना ऑयल तैयार कर देते हैं? ये 7 मशीन हैं जी सर, तो 7 मशीनों का लगभग 100 लीटर के आसपास एवरेज आती है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को प्योर शुद्ध तेल देने का मुख्य उद्देश्य है हमारा। हम चाहते हैं हमारे आस पास नियर डियर जो भी कस्टमर हैं उनको हम प्योर तेल दें, शुद्ध तेल दें। और हमारा विशेष बड़ा उद्देश्य ये नहीं बस बड़े उद्योगपतियों की तरह से बहुत ज़्यादा हम तेल निकालें और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कोई छाप बनाए, भाई हमारा तेल हाई टेम्परेचर का इस प्रकार के ज़्यादा तेल की बेचने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है हमारा। राजीव दीक्षित के जो पैटर्न के ऊपर जो हमने काम किया शुरू, तो हम चाहते हैं भाई शुद्ध तेल दें, और लोग हमारे पास धीरे धीरे ऐसे जैसे अब कस्टमर बन रहे हैं इस प्रकार आगे जुड़ते रहें, और हम कोल्लू इसी कारण से हम कोल्लू बढ़ा देंगे। अब भी हमने 2 से स्टार्ट किए थे, अब 7 कर लिए, लेकिन तेल की क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल बढ़िया प्योर 100% शुद्ध तेल कस्टमर को देंगे। हाँ, तो जंगवीर जी ये बात तो हो गई मशीनों की और इन कोल्लू की, लेकिन इसके अंदर ये जो मटेरियल आपने डाला है, जैसे आप ये नारियल का तेल निकालते हैं, तिल का तेल निकालते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं, तो इसके लिए जो मटेरियल वो कहाँ से आता है और किस तरह का मटेरियल आप यूज़ करते हैं, वो एक बार दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, चलो बाहर है, चलो बाहर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों बाहर रखा है तो देख लेते हैं किस तरह का मटेरियल, वो भी आपको दिखाई देते हैं। ये काली सरसों है जी, ये बरानी इलाकों से लेकर के आते हैं, जो किसान बारिश के ऊपर आधारित खेती करते हैं उनसे सरसों लेके आते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रासायनिक और पेस्टिसाइड दवाई नहीं डली होती इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये सरसों आप ध्यान से देखिए,
ये सरसों बिल्कुल देखिए बिल्कुल पकी हुई और काली सरसों है, तो आप ये समझ गए, और ये कच्ची घानी का तेल इसी से बनता है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कभी भी कच्ची सरसों से तेल नहीं निकलता है, पकी हुई सरसों से ही तेल निकलता है। तो कच्ची घानी का मतलब आप समझ ही गए हैं, तो और सरसों इस तरह का पका हुआ ही यूज़ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये दूसरे वाला, ये पीली सरसों है, लाल गड्ढे बीकानेर नागौर के जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ से तैयार होती है जी पीली सरसों। इसके अंदर भी कोई विशेष रासायनिक खाद दवाई वगैरह नहीं होती इसके अंदर, तो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के है। और ये नारियल है जी, गोला जिसको बोलते हैं, टिपटूर नाम का क्षेत्र है वहाँ से ये गोला आता है, तो इसका सबसे बढ़िया से बढ़िया टॉप क्वालिटी का गोला हम लेकर के आते हैं। इसी प्रकार से तिल, नागौर के क्षेत्र से तिल लेके आते हैं, काला और सफ़ेद तिल। और फिर काउट की जो मूंगफली है, काउट किस्म होती है, स्टैंडर्ड भी किस्म होती है मूंगफली की, तो हम काउट सबसे टॉप वैरायटी होती है मूंगफली की, वो मूंगफली लेके आते हैं। और बादाम गुरबंदी का सबसे टॉप क्वालिटी का लेके आते हैं, उनसे हम जो कच्चा माल बढ़िया लेते हैं तो तेल भी बढ़िया बनता है। तो जंगवीर जी एक बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप यहाँ पर कौन सा जो ऑयल है वो तैयार करते हैं, एक बार बता दीजिए। हाँ जी, हम काली सरसों का, पीली सरसों का, तिल का, मूंगफली का, नारियल का और बादाम का, ये छह प्रकार का तेल हम तैयार करते हैं जी, कच्ची लकड़ी घाणी कोल्लू से। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, ये जो जितने तरह के तेल हैं यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और दूसरा, जंगवीर जी ने मेरे को एक बात बोली थी कि अगर कोई भी भाई ये काम करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और फ्री में आपको पूरी राय मिलेगी और ढंग से आपको बताया जाएगा अगर आप ये काम करना चाहते हैं। तो एक बार जगवीर जी बताएंगे, इस कोल्लू के बारे में पूरा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकायदा बताया जाएगा भाई किस प्रकार से कैसे तेल निकालता है, कैसे इसके अंदर टेक्निकल कोई छोटी मोटी खराबी आती है तो आप इसको कैसे दूर करें, और इसकी पूरी बढ़िया गतिविधि जो होती है कोल्लू की, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तेल कैसे बनाया जाए और कोल्लू कहाँ से लिया जाए। कोल्लू तो यदि आप लेना चाहें तो आप धीरे धीरे हमारे पास भी कोल्लू मिल जाते हैं अभी आज आपके। हाँ, पास है। हाँ, तो दोस्तों देखो, जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, पहली बात तो हमारे को उस चीज़ के अंदर जो सामान लगने वाला है वो कहाँ से मिलेगा, वो मशीनें हमने लागे रख ली हैं, लेकिन उसके बाद जो दिक्कत आती है वो आती है कच्चे मटेरियल की, जो उसके अंदर जो मटेरियल डलेगा वो कहाँ से ले गए, क्योंकि हर वक्त तो आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं ना, कहाँ से कितना खरीद लेंगे, वो ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ शुरू से लेके आखिर तक जो कुछ भी जितनी आपकी सहायता इनसे बनेगी वो आपकी करेंगे। तो और आपको यहाँ पर अगर आप 10 दिन 15 दिन अगर आप यहाँ पर रहकर सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ऑयल निकाला जाता है, किस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। वैसे इतनी जटिल मशीन नहीं है जी, ये 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ समझ में आ जाता है इसका, मतलब ज़्यादा बात नहीं, 2-3 दिन में कोई भी आता समझ आए। बिल्कुल 2-3 दिन में कोई भी आदमी आए तो यहाँ से अपने आप समझ जाते हैं, इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है, सरल प्रक्रिया है इस मशीन की। इसमें रूटर है, नीचे रिंग लगी होती है, नीचे क्राउन पिनियन ऐसे घूमता है और ऊपर टब है, और ये इसका नीचे मशीन चलती है, फैन बल्ट वगैरह लगे हैं, तो इतना जटिल प्रक्रिया नहीं इस मशीन की, सरल प्रक्रिया है। और इसको 2 दिन में अपने आप ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कैसे काम करती है। तो जंगवीर जी एक सवाल है जो मेरे मन में है, जो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे को मार्केट में दोनों तेल मिल रहे हैं, एक कच्ची घानी का और एक मशीनों द्वारा निकाला गया दूसरा, तो मैं कैसे पहचानूँ कि ये तेल कच्ची घानी का है और ये दूसरे वाला है, तो इसको मैं कैसे पहचानूँ? कच्ची घानी का जो तेल होता है, कोल्लू से बना हुआ तेल, उसके अंदर गाढ़ापन होता है और चिकनाई भी उसके अंदर भरपूर मात्रा में होती है, जितनी वसा तेल के अंदर होनी चाहिए वो इसके अंदर बनी होती है। दूसरा, कोल्ड प्रेस्ड जो तेल है, कच्ची घानी से जो बना हुआ तेल, कोल्लू से बना हुआ तेल, उसमें सुगंध, इसकी गंध विशेष रूप से आपको पहचान में आ जाएगी, रिफाइंड तेल है उनकी गंध आपको अलग पहचान आ जाएगी। हाँ, इसमें गंध जो स्मेल होती है जो सरसों की ज़्यादा, हाँ, प्राकृतिक जो गंध होती है वो आपको गंध मिलेगी इसमें। तो दोस्तों जैसा कि भी जंगवीर जी ने बताया कि इनकी पहचान क्या क्या है, तो पहली तो चिकनाई इसके अंदर ज़्यादा होती है, दूसरा इसके अंदर गाढ़ापन ज़्यादा होता है, और जो तीसरा बताया टेस्ट के हिसाब से आप इसको पता कर सकते हैं, और चौथा जो है वो स्मेल के हिसाब से। तो अब मुद्दा उन कस्टमर के लिए है
जिन्होंने आज तक जो कच्ची घाने का तेल चखा ही नहीं है, तो उनके लिए ऑप्शन क्या है कि अगर आपके आसपास कच्ची घाने का तेल नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं जहाँ पर आया हूँ ये जो फैक्ट्री है भिवानी के अंदर पड़ती है, तो आप इस ऑयल को आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं कोरियर से। कोरियर के चार्जेज आपको देने होंगे और ये ऑयल आपके घर पहुंच जाएगा। और दूसरा, जैसा कि जंगवीर जी ने बताया कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं, तो वहां पर भी ये ऑयल आपको मिल जाएगा। तो पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये आपको वहां पर ये मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तो सोल्यूशन यही है, आप कोरियर से सीधा अगर आपको सिंगल बोतल चाहिए तो आप सिंगल भी मंगवा सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी। और इसके ऊपर जो मेन मार्का है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके आसपास अगर कहीं आपको कच्ची घाने का तेल मिल जाए तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी यहाँ पर ये जो है फैक्ट्रियाँ लोगों ने लगा रखी हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है ऑप्शन में, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आर्यन गोल्ड के नाम से ये ऑयल आता है, ये आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। यहाँ पर अगर भिवानी के आसपास आपका पड़ता है तो भिवानी से ले लीजिए, वरना आप कोरियर लगवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जंगवीर जी का नंबर और इस कंपनी का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं, तो आप जंगवीर जी से कॉल करके आप पूछ सकते हैं या मंगवा सकते हैं, आपकी वो चीज़ें आपके घर पहुंच जाएगी और आपकी जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आकर जैसा कि इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं, तो ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। ये कच्ची घानी के ऊपर था छोटा सा वीडियो, और अब हम जंगवीर जी से इजाज़त लेते हैं। तो जंगवीर जी चलते हैं, ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, तो देखते रहिए PS वाले।